खुदा भी पूछता है मुझसे कि कब तक ऐसे प्यार करोगे, जिंदगी खत्म होने को आई है अब, कब तक यूं ही इंतजार करोगे। दोस्तों, क्या आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी से प्यार करते हैं, हनुमान जी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहते हैं? आज हम आपको बताएंगे इसी पौराणिक कथा के बारे में। बजरंगबली बहुत शक्तिशाली है, उनका शरीर वज्र के समान है, इस वजह से उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि हनुमान जी ने श्री राम को प्रश्न रखने के लिए शरीर में सिंदूर लगाया था, जिस वजह से उनका नाम बजरंगबली पड़ा था। अब आइए जानते हैं इस मान्यता से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी ने पूछा कि माता आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। इसका जवाब देते हुए माता सीता कहती है कि वे अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती है। शास्त्रों में भी सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जो सुहागिन महिला मांग में सिंदूर लगाती है, उसके पति की उम्र लंबी होती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। माता सीता की बात सुनकर बजरंगबली सोचते हैं कि सिंदूर लगाने से इतना लाभ मिलता तो वे पूरे शरीर में सिंदूर लगाएंगे, इससे प्रभु राम अमर हो जाएंगे। ये बात सोचकर हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। जब प्रभु राम हनुमान जी को देखते हैं तो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु राम कहते हैं कि आपको बजरंगबली के नाम से जाना जाएगा। बजरंगबली में बजरंग का अर्थ केसरी से है और बली का अर्थ शक्तिशाली से है, इसीलिए हनुमान जी को बजरंगबली कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे कमेंट में जय हनुमान जी एक बार जरूर लिखिएगा।